स्टेप टू कुकिंग में आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स पोहे की रेसिपी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 4 कटोरी प्लेन कॉर्नफ्लेक्स, 1 कटोरी बारीक कटा गाजर, 1/2 कटोरी उबले हुए मटर, 1 कटोरी आलू, 1/2 कटोरी बारीक कटी शिमला मिर्च, 1/2 कटोरी टमाटर, थोड़े से करी पत्ते, 1 कटोरी प्याज और थोड़ी सी हरी धनिया। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ राई। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, उसी में मैं डाल दूँगी करी पत्ता और उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी आलू। तो चलिए इन सबको अच्छे से भून लेते हैं जब तक हमारे आलू सॉफ्ट ना हो जाएं। अब इसमें मैं डाल दूँगी गाजर, मटर, शिमला मिर्च, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये सब्जियाँ थोड़ी सी गल ना जाएं। तो यहाँ पर मैं लास्ट में थोड़े से टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसको भी सभी सब्जियों के साथ मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी करीब 1 कप पानी। तो चलिए अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 नींबू का रस। इसके बाद मैं तुरंत ही इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल दूंगी। तो आप कॉर्नफ्लेक्स को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंड्स, आप ये काम हाई फ्लेम पर ही करिएगा और कॉर्नफ्लेक्स को इतने ध्यान से मिक्स करिएगा कि वो बिल्कुल भी टूटने ना पाए। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनकर एकदम तैयार है। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है कहीं से। इसको अब मैं गार्निश करूँगी हरी धनिया की पत्ती से और चलिए इसको सर्व करते हैं एक बाउल में। तो हमारा गर्मा गर्म पोहा एकदम तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और कॉर्नफ्लेक्स भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ नहीं पसंद है तो आप इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स को ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।